वसई विरार मनपा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली कई अनगिनत अति धोखादायक इमारतों को मनपा प्रशासन द्वारा हर साल नोटिस देकर चिन्हित किया जाता है और जो ज्यादा जर्जर है उसे खाली करवा कर ध्वस्त कर दिया जाता है। हालांकि अभी ऐसी कई इमारतें हैं जो खतरे के कगार पर है, जिन्हें मनपा प्रभाग समिति द्वारा सीवन का नोटिस भी दिया जाता है। हालांकि इन सब मामलों में हर साल नोटिस देकर मनपा प्रशासन मात्र अपनी औपचारिकता पूरी करता है, क्योंकि लगभग सभी प्रभाग समिति अंतर्गत ऐसी कई इमारतें मौजूद हैं जिन्हें सीवन का नोटिस काफी पहले दिया गया है, किंतु ना तो उन इमारतों को खाली करवाया गया और ना ही उन इमारतों की मरम्मत की गई, जिससे वे इमारतें रहवासियों के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया नाला सोपारा पूर्व गाला सिरडी नगर में, जहां वसई विरार महानगर पालिका के प्रभाग समिति ड अंतर्गत सिरडी नगर में साई दीप अपार्टमेंट नामक इमारत में एक कमरे का स्लैब का एक हिस्सा गिर गया, जिसे इमारत में रहने वालों में अफरा तफरी मच गई। मैं 2009 में आई, बिल्डिंग मेरी 2007 में बनी। यहाँ पे नोटिस दिया गया था पहले अति धोखादायक इमारत होने का। ये हमेशा हम लोग को परेशान करते महानगर पालिका, और हम कभी इनके अगेंस्ट नहीं गए। जब भी इन्होंने हमको जो भी बोला हमने वो रूल फॉलो किया। लेकिन ऊपर से तो इस समय एक हिस्सा गिर गया है, तो कहीं ना कहीं ये इमारत खतरनाक तो है ना सर? ऐसा है ना कि देखिए, 2000 अभी 3 साल पहले का किस्सा है। आवड़ेकर साहब थे जिन्होंने कमांडर के साथ हमारे बिल्डिंग में एंट्री की, और उन्होंने हमको बोला तुरंत बिल्डिंग खाली करो या तो फिर रिपेयरिंग करो। 8 दिन में परंची लगना चाहिए, लॉकडाउन का पीरियड था, लोग यहाँ नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने बिल्डिंग बनाने का कोशिश करे। बिल्डिंग का हमको ये बताया गया कि बाहर आउटिंग जितना भी है खराब वो बना लो। अब सर कोई भी सोसाइटी हो या कोई भी रिसिडको हो या लोड बेरिंग, रूम के अंदर का रूम मालिक करता है, बाहर का काम पब्लिक करती है। वही हुआ हमारे साथ। आज वो घर में कोई नहीं रहता, 4 साल से वो रूम में कोई भी नहीं रहता है, जिस घर का स्लैब पड़ा है। हमने व्हाट्सअप किया, हमने उनको मैसेज भेजा, उन लोग आके बोले नहीं, उन लोग ने आके ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका कोई रहता नहीं। हमने उनको ये भी बताया कि देखो तुम्हारे वजह से हमारी बिल्डिंग खतरे में आ सकती है, उसके बावजूद उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसके ऊपर के बंदे को हमने अलर्ट किया कि भाई तुम तो खाली करो, बोले नहीं हमको अगर मौत आनी तो यही आएगी। अभी क्या बोल रहे हैं नगर पालिका? महानगर पालिका हमको ये बोल रही है कि तुम बिल्डिंग से खाली करो, बिल्डिंग धोखादायक है, और ये 1 महीने से बोल रहे हैं, आज ये सक्सेस हो गए। आपको रहने की व्यवस्था करके ये अभी फिलहाल के लिए कर रहे ले, फिर हमको ये बोल रहे ले ऑडिट का रिपोर्ट पे निर्भर है। कल को अगर ऑडिट वाला भी नहीं करेगा, अगर हमारी बिल्डिंग को अगर कोई खतरा हो गया या ऑडिट में रिपोर्ट खराब आया, तो क्या ये हमारा रहने का व्यवस्था खत्म कर देंगे? क्या नाम है आपका? आशीष। ये कौन सी जगह है? ये शायद सिटी नगर है। आप ये क्यों खाली कर रहे हो? ये बिल्डिंग रिपेयर करना है ना, इसलिए। रिपेयर करने के लिए अभी यहाँ पे एक हिस्सा नीचे गिरा है, लोगों की जान खतरे में। क्या ये जानकारी आपको नहीं थी कि पहले यहाँ पे सीवन का नोटिस दिया गया था? देखिए मैं तो काम पे रहता हूँ, मुझे इतना मालूम नहीं। मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, इतना मालूम नहीं है। अब ये बंद किया आपने, अब कहाँ पे जाओगे आप? ये लोग किधर रहने को लेके जाएगा? कॉर्पोरेशन में किधर? प्रशासन ने कोई जगह आपके लिए नियुक्त की गई है रहने के लिए? या तो है, इधर देखते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार इमारत के नीचे लोगों की भीड़ जुट गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मनपा प्रभाग द की सहायक आयुक्त मनाली शिंदे व अचोले पुलिस स्टेशन के सीनियर PI चंद्रकांत सरोदे की टीम घटना स्थल पर पहुंची और इमारत को खाली करने की प्रक्रिया में जुट गई। मैडम, इस इमारत को क्यों खाली करवाया जा रहा है? इस इमारत का सेकंड फ्लोर का स्लैब गिर गया, ऐसे हमको खबर मिली, इसलिए हमने शाम को देखने के लिए आए तो इस इमारत के सेकंड फ्लोर पे 210 नंबर का रूम है, उसका स्लैब गिरा हुआ है। मैडम, अब यहाँ पे जो रहवासी खाली करके जा रहे हैं उनको कहाँ रखा जाएगा? हम उनको वरुण इंडस्ट्री में, हमने जहाँ पे संक्रमण शिविर बनाया है वहाँ पे उनको लेके जा रहे हैं। इस इमारत को ध्वस्त किया जाएगा? नहीं, इसका तो अभी स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा, इसके बाद ही हम इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। अचोले प्रभाग के अंतर्गत लगभग कितनी और ऐसी इमारतें जो आपकी धोखादायक? अभी हमारे पास 11 इमारतें और है जिसका बाकी है डिमोलिशन। तो ये कब तक करवाया जाएगा? अभी जैसे हमको पुलिस का सपोर्ट मिलता है वैसे ही हम खाली करेंगे। वहीं इमारत में रहने वाले जल्दी जल्दी अपने कमरे का सामान लेकर निकलते नजर आए,
जिन्हें मनपा द्वारा वसई पूर्व वालियों के वरुण इंडस्ट्रीज में रखा जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में मनपा ने वरुण इंडस्ट्रीज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। अब सवाल उठता है कि मनपा इन लोगों को कितने दिन वरुण इंडस्ट्रीज में पनाह देगी और फिर उसके बाद उनका अगला बसेरा कहां होगा। नाला सोपारा से यशवंत भारद्वाज की एक रिपोर्ट।